हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? शुक्र करता बहुत अच्छे होंगे आप लोग। बाहर देख लो, अंधेरा है हल्का हल्का। और इसके बाद ये है एक सरा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? शुक्र करता बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और अभी सुबह की 5:30 बज रही है और अभी मैं जा रहा हूँ हमारे जहाँ रूम है यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर मेरे साले को लेने के लिए। तो दोस्तों, 8-4 साल के बाद मेरा साला आ रहा है हमारे पास। तो हम सोच रहे थे हमारी प्रीति किसको बोलेगी मामा, तो आज फाइनली मेरा साला आ रहा है तो इसको मैं लेने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो पर बने रहना और वीडियो को कर दो लाइक, करो एंजॉय। चलो मैं लेके आता हूँ अभी प्रीति। ये प्रीति की मम्मी और परी सोई है और प्रीति इधर जगी हुई है। देख लो, ये बाहर देख लो, अंधेरा है हल्का हल्का। प्रीति, कौन आ रहा बेटा? मामा आ रहा? मामा आ रहा? गुड मॉर्निंग बोलते दोस्तों को एक बार। देख लो, मेरे साथ सब जग गई है ये भी। तो इसका मामा आ रहा है अभी, तो मैं इसको रिसीव करने जा रहा हूँ। तो चलो जाता हूँ, लेके आता हूँ। तो मैं फाइनली आ गया हूँ फुल मार। जैसे कि गुजराती गाड़ियाँ पूरी यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर मेरा साला उतरने वाला है। तो यहाँ से मैं रिसीव करने आया हूँ फुल मार। तो अभी फिलहाल मैं फुल मार बैठा हूँ, देख सकते हो ये। तो वेट कर रहा हूँ, आ जाए इसके बाद लेके चलता हूँ। चलो दोस्तों, फाइनली मैं ले आया हूँ फुल मार जाके मेरे साला को अपने रूम पर। और आ गया है और चाय वगैरह पी रहे हैं। और चाय वगैरह पी के, क्योंकि 4 साल के बाद आया है दोस्तों पहली बार, और वो भी सिर्फ मेरा एक साला, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलना था और इसकी दीदी से भी मिलना था और हम इसकी दीदी को भी मिलना था, क्योंकि 4 साल बहुत हो जाते ज़्यादा यार दोस्तों। जब से मैं प्रीति की मम्मी को लेकर आया हूँ तब से कोई भी नहीं आया हमारे पास मिलने के लिए। तो पहली बार मेरा साला मेरे से मिलने के लिए आया, और प्रीति से और परी से और प्रीति की मम्मी से, क्योंकि मुझे डर था मेरी लड़कियाँ किसको बोलेगी मामा। तो फाइनली आ गया प्रीति का और परी का मामा आ गया मिलने के लिए, और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो में ज़रूर एक बार। तो अभी फ़िलहाल में हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना है इसका, क्योंकि इसके अंदर कुछ बीमारी है बट पता नहीं क्या है बीमारी। तो जाएंगे और पता करेंगे, इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊँगा क्या है बीमारी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरे साला जी चाय पी रहे हैं। दोस्तों को एक बार हाई बोल दें। दोस्तों, ये है मेरा साला प्रीति का मामा और परी का मामा मिलने के लिए आया है। और अभी आपको मैंने बोला है नहीं, तो मार्केट में जाएंगे और जो भी है वो आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। और प्रीति इधर खेल रही है। प्रीति हाय बोल दे। ये मामा है। प्रीति कौन है? प्रीति इधर आ। कौन है? मामा है। हाँ ये बोल। हाँ कहाँ है मामा? तो दोस्तों, प्रीति का और परी का मामा आ चुका है हमारे रूम पर। चलो चाय वगैरह पी लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। दोस्तों, फाइनली चाय पी ली हम लोगों ने सब ने, और अब जाएंगे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। चेकअप करवाने के बाद आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं, क्या है रिपोर्ट के अंदर और क्या बीमारी बताई डॉक्टर ने। चलो जाते हैं और बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों, फाइनली हमने चेकअप भी करवा लिया और एक्सरे भी करवा लिया, खून भी जांच करवा लिया सब कुछ, और रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे। बट इसके पहले, क्योंकि प्रीति की मम्मी को रक्षाबंधन के टाइम इसके भाई को राखी बांधने के लिए नहीं मिली, तो अभी इसके भाई को राखी बांधेगी। अभी मार्केट से लेके आए हम और अभी बांधेगी। चलो मैं दिखाता हूँ, पहले राखी बांधेगी प्रीति की मम्मी, वो दिखा देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ मेरे साला की, कि क्या है बीमारी और क्या बताई डॉक्टर ने बीमारी। तो चलो पहले राखी बांध देते हैं मेरे साला को, उसके बाद फिर दिखाते हैं रिपोर्ट आप लोगों को। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने है चूर। हूँ
से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैन है, एक हजारों में मेरी बहना है सारी। चार साल के बाद राखी बांधने के लिए मिली प्रीति की मम्मी को इसके भाई को, क्योंकि चार साल से हमारे से कोई बात नहीं कर रहा था और आ रहे थे भी नहीं हमारे घर पर। तो चार साल के बाद राखी बांधी और आया भी तो बहुत मुसीबत में आया मेरा साला मेरे घर पर। तो दोस्तों मुसीबत क्या है पता आपको? चलो मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ क्या है वो मुसीबत और क्या है बीमारी। चलो तो दोस्तों चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है डॉक्टर की रिपोर्ट दोस्तों। चलो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो देख लेना आप लोग। और ये है खून चेकअप की रिपोर्ट दोस्तों। और इसके बाद ये है एक्सरे। तो चलो मैं बताता हूँ क्या है बीमारी। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों को मैंने खून चेकअप की भी रिपोर्ट दिखा दी, एक्सरे भी दिखा दिया और डॉक्टर की भी रिपोर्ट दिखा दी। तो आप सोचते होंगे बीमारी क्या है? तो दोस्तों बीमारी है एक तरफ का फेफड़ा खराब हो गया, पानी भरा गया इसके अंदर। तो आप सोचते होंगे इसके पप्पा ने क्यों इलाज नहीं किया? तो दोस्तों मेरा ससुर जी है ना वो बहुत टेढ़ा है, क्योंकि काम पर ये गुजरात में करते थे तो वहाँ पर छोटे मोटे अस्पताल में ले जाते और वहाँ से दवाई वगैरह ले आते और खिलाते और वापस काम पर लगा देते। तो ऐसे करते करते 2-3 महीने हो गए इसको ये बीमारी है। और मुझे ये 15-20 दिन से बात कर रहा मेरे साथ फ़ोन में कि जीजू मैं तेरे पास घूमने के लिए आऊँगा। तो इसकी दीदी से भी बात करी और बोलता कि दीदी मैं तेरे पास घूमने के लिए आ रहा हूँ पप्पा से छुपके से। तो अभी फ़िलहाल में मेरा साला मेरे घर पर आया, ये इसके पप्पा को बता के नहीं आया, छुपके से आया है मेरे से मिलने के लिए और प्रीति और परी और इसकी दीदी से मिलने के लिए। तो मुझे फ़ोन में बता रहा था कि जीजू मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, मर जाऊँगा। तो मैंने बोला शायद होगा लड़की के चक्कर में तो शायद ऐसे बोलता होगा। तो मैंने बोला मेरे पास आ जा मैं सही कर दूँगा। तो आया और देखा मैंने तो हमारा जो पर्सनल डॉक्टर है उसके पास मैं ले गया था और वहाँ चेकअप करवाया। और फाइनली रिपोर्ट पूरी आने के बाद बोला कि डॉक्टर ने कि सुजात भाई आप कहीं पर भी ले जाकर झाबुआ के अंदर या फिर दाहोद के अंदर इसको दवाई चालू करवाओ और ये पानी निकालो फेफड़े में से। एक तरफ फेफड़े में पूरा पानी भरा गया। तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो ये रिक्स वाली बात है दोस्तों, मैं शायद दवाई करवा भी दूँ शायद कुछ हो जाए तो पूरी मेरे पे जवाबदारी आ जाएगी। तो इसलिए मेरी सासू माँ से मैंने बात करी और मेरे मामा जी है जो भी है उनके से बात करी। तो मैंने बोला पप्पा से बात करो, जो मेरा साला है उसके पप्पा से बात करो और उसको बताओ ये बीमारी है, तुम्हारा लड़के को बीमारी बहुत बड़ी है और जल्दी से जल्दी दवाई चालू करवाओ नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, अपने हाथ में नहीं रहने वाला ये। तो यूं करके बात करने के लिए बोला है और मैं यहाँ पर दवाई करवा दूँ और कुछ हो गया तो मेरे माथे आ जाएगा या फिर मतलब जवाबदारी बहुत बड़ी हो जाती। तो इसलिए बात करी हमने तो मम्मी ने बोला है, इसकी मम्मी ने मेरे साला की मम्मी ने मेरी सासू माँ ने बोला तो घर पे भेज दो, हम यहाँ पर दवाई करवा लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो एक तरफ का फेफड़ा पूरा ख़राब हो गया और पानी भरा गया मेरे साले के एक तरफ फेफड़े में। तो ये है बीमारी दोस्तों। तो बड़ी दुख की बात है, मैंने बोला है वहाँ पर दवाई करवा दे तो ठीक, नहीं तो फिर वापस आ जाना मेरे पास मैं करवा दूँगा ठीक। क्योंकि जिंदे रहे तो लाखों रुपये कमाएँगे, जिंदे ही नहीं रहेंगे तो पैसे को क्या करेंगे? पैसे आज नहीं तो कल फिर कमा लेंगे दोस्तों। तो जान बचा लेंगे कम से कम याद तो करेगा कि मेरे जीजू ने मेरी दवाई करवाई। तो देखता हूँ क्या होता है इसके घर पर। अभी जा रहे हैं तो प्रीति और परी और प्रीति की मम्मी और मेरा साला चारों जा रहे हैं गांव में। और मेरा ससुर जी वो है काम पे अभी फ़िलहाल में, वो हमारे से बात नहीं करता, हमारे से नफरत करता है, बट अभी वो काम पर है। तो घूम के प्रीति और परी की मम्मी तीनों घूम के आ जाएगी और मेरे साला को भी घर पर छोड़ के आ जाएगी, एक दो दिन रुकेगी। तो अभी तैयार हो रहे हैं तो चलो इनको बिठाते हैं बस में और भेजते हैं सीहोर के लिए, कितने दिन में रिटर्न आए देखते हैं। तो ये है मेरे साला की बीमारी, आप लोगों को मैंने दिखा दी और बता दी। तो काफ़ी दुख की बात है बट मुझे खुशी है कि मेरा साला मुझे मिलने आया
ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, 4 साल के बाद आया हमारे पास मिलने के लिए, दूसरे कोई भी नहीं आया, तो ये काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए, बट साथ में दुख की बात है क्योंकि बीमारी भी बहुत बड़ी है। तो देखते हैं, सुधारने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके इतना हम ज़रूर मदद करेंगे और सपोर्ट करेंगे मेरे साला को। कहाँ जा रहे मामा के घर? मामा के घर? हाँ। किसके साथ जा रहे? कब आओगे वापिस? 3 दिन में। 7 दिन में भी आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीति और प्रीति की मम्मी देख लो तैयार हो रही है मामा के घर जाने के लिए, क्योंकि 2 बजे की गाड़ी है सीहोर के लिए पेटलावत से, तो अभी तैयार हो रहे हैं, तो फटाफट तैयार होके और चलो इनको छोड़ने जाएंगे बस स्टैंड पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो हमारी परी भी तैयार हो चुकी है और परी की मम्मी भी इधर, प्रीति प्रीति हो गई तैयार हो गई। तो दोस्तों फाइनली तैयार हो गए हैं, देख लो कपड़े वपड़े भी डाल लिए हैं और अब जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी 4-व्हीलर गाड़ी की, क्योंकि 4-व्हीलर गाड़ी आ जाए तो इसके बाद 4-व्हीलर गाड़ी लेके जाएंगे पेटलावत, और पेटलावत से इनको बस में बिठा देंगे भोपाल के लिए। तो मेरा सोहन भैया गाड़ी लेके आ रहा है 4-व्हीलर, चलो थोड़ी देर वेट करते हैं गाड़ी आ जाए, इसके बाद चलते हैं पेटलावत छोड़ने के लिए इनको। तो दोस्तों फाइनली सोहन भैया आ गया और हम जा रहे हैं पेटलावत, देख लो ये, और यहाँ मेरा साला बैठा है, इस तरफ देख लो प्रीति की मम्मी और परी और प्रीति, तीनों बैठे हैं। हम जा रहे हैं पेटलावत बस में बिठाने के लिए इसको। दोस्तों फाइनली मैं पेटलावत जाकर अपनी 4-व्हीलर गाड़ी लेके गया था, और पेटलावत जाकर वहां पर बस स्टैंड पर अपने प्रीति और परी और मेरे साला को फाइनली बिठा दिया अपने सीहोर के लिए। तो फाइनली मैं बिठा के और आ गया रूम पर, देख लो घर पूरा सुना सुना हो गया, प्रीति भी चले गई, परी भी चले गई, प्रीति की मम्मी भी चले गई, तो पूरा घर खाली खाली हो गया दोस्तों। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आपके भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, सुजाट डामोर 55 अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि आप पर्सनल मेरे से बात कर सकते हो करना चाहो तो। और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। करते हैं वीडियो यहां पर एंड, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।